कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और आम पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लुप्त हो गई है और आम आदमी पार्टी ने धरातल पर जन्म भी नहीं लिया है। मुझे नहीं लगता कि देश में जो आज माहौल है, जिस तरह का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, इस संकट के समय में एक तरफ अमेरिका की ताकत थी, एक तरफ रशिया की झगड़ा था, और जिस आत्मबल के दम पर मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत अपने लोगों के भविष्य का फैसला करने में सक्षम है, किसी के दबाव में हम नहीं आते, तो भारत की जनता मोदी जी को दोबारा मौका देगी। हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी को के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार है, उसको दोबारा मौका देगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस को किसी जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की जरूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पार्टी थी जो मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सालों साल सत्ता में रही और अब लुप्त हो गई है। इक्का दुक्का प्रदेश है, दो प्रदेशों में जहाँ इनका शासन है वहाँ भी इस बार हार जाएगी। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कांग्रेस के लिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा शासन किया, वो अपना सही आत्ममंथन करने के बजाय अभी भी जो अपनी समस्याएं हैं, अपने गंभीर मुद्दे हैं, उनको देखने की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि खोता चना बाजे घना, तो इसी तरह से ये ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं धरातल पर। हरियाणा में ये पार्टी अभी जन्म भी नहीं लिया है, इसने किसी गांव में, देहात में, मोहल्ले में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वोटर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है।